और अभी हम लोग एक अंडर पास में एंटर करने वाले। ये देखिए एक टनल आ चुका है, ये देखो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं विस्टाडम कोचेस के इंटीरियर में। मंकी हिल्स भी आएगा, मंकी हिल्स का भी नजारा अगर आप लोग देखना चाहते हो। अरे पीछे जा रही है हमारी ट्रेन यार, ब्रेक्स लगाना पड़ेगा, मैंने गलती से ब्रेक्स को रिलीज कर दी। और ये नजारा देखकर लग रहा है कि मंकी हिल्स के बहुत पास में हम लोग आ चुके हैं। कितना ज्यादा ऊंचा है यार ये। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। और गाइस आज हम लोग मुंबई से पुणे तक जाने वाली डेक्कन एक्सप्रेस की जर्नी करने वाले हैं। तो गाइस क्या है ना कि आपने कहा था कि आपको विस्टाडोम कोचेस देखने हैं और आपको घाट सेक्शन भी देखने हैं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना दोनों चीज़ को एक साथ में ही कर दिया जाए। इसीलिए आज हम लोग विस्टाडोम कोचेस के साथ में डेक्कन एक्सप्रेस की जर्नी को करने वाले। और यहाँ पे देखिए पीछे में बैंकर्स अटैच हो रहे हैं हमारे, क्योंकि सामने घाट सेक्शन है और अभी हम लोग कर्जत में हैं। और यहाँ पे देखिए पीछे के जो बैंकर्स है ये अटैच हो रहे हैं, आपको सामने में दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया अटैच, हमारे बैंकर्स लोकोमोटिव्स यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। और अभी सामने के साइड में अगर आप देखोगे तो एक फ्रेट ट्रेन का अराइवल चल रहा है यहाँ पे। ये देखो ये कौन सी फ्रेट है, खाली है क्या? नहीं नहीं, BCNA फ्रेट है, BCNA फ्रेट ट्रेन जिसका कि वैग समन लोकोमोटिव लगा हुआ है। 24525 इसका रोड नंबर है, आप देख सकते हो ये जो फ्रेट ट्रेन है। अच्छा ये सामने रुकने वाली है, मेरे को यहाँ से रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इसको यार यहाँ पे लूप किया जा रहा है और यहाँ पे हमारा डिपार्चर का जो है वक्त हो चुका है। तो चलिए फिर अभी हम लोग ब्रेक्स को रिलीज कर देते हैं और हॉर्न बजाकर यहाँ से डिपार्ट करते हैं। चलो यार अभी फाइनली हम लोग यहाँ से अब डिपार्ट कर रहे हैं। और गाइस यहाँ का स्पीड लिमिट काफी ज्यादा कम है, जो कि 20 किलोमीटर पर आवर का आपको सामने ट्रैक मॉनिटर पे दिखाई दे रहा होगा। और हम लोग कर्जत के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थे और वहीं से गाइस हम लोग अभी डिपार्ट कर रहे हैं। एक बार पीछे के साइड का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और आज हम लोग खंदेश रूट खेल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि इस रूट के प्लेटफॉर्म्स में बैनर्स वगैरह लगा हुआ है वेलकम टू खंदेश रूट कुछ ऐसा करके। तो इससे आपको पता ज़रूर से चल गया होगा कि ये जो रूट आज का हम लोग खेल रहे हैं ये खंदेश रूट। तो यार देखते हैं आज आप सभी को मज़ा आता है कि नहीं आता है। और आप लोग गाइस हो जाइए तैयार, क्योंकि घाट सेक्शन बहुत जल्द इसका शुरुआत होने वाला है। सामने में ये देखिए विस्टाडोम कोचेस का इंटीरियर भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे बहुत अच्छा तो बना नहीं है इंटीरियर, लेकिन बाहर का जो एक्सटीरियर है ना वो काफ़ी अच्छे से बना के रखा गया है। तो यार जिसने भी ये बनाया है तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इतना ज़्यादा अच्छा रीपेंट बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर फिलहाल से हमको अभी 65 km/h का लिमिट मिलने वाला है, आपको सामने मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये देखो मैं आपको सामना दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 65 km/h लिखा हुआ है। और अभी हम लोग गाइस हमारा जो स्पीड है ना इसको जल्दी से इंक्रीज करते हैं और 65 km/h को अटेन करने की कोशिश करते हैं। वैसे ट्रैक मॉनिटर पे 50 का दिखा रहा है, उसका आप लोग टेंशन मत लो, यहाँ पे 65 का ही है, तो हम लोग 65 पे ही जाएंगे अभी। तो गाइस हम लोग अभी पीछे के साइड में आ चुके हैं, पीछे देखिए हमारे दो बैंकर्स वाले जो लोकोमोटिव्स है ये जो है काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। वैग 7 इरोड सेट का लगा हुआ है एक लोकोमोटिव और दूसरा लोकोमोटिव वैग 7 भुसावल का है, और दोनों के रोड नंबर्स भी अलग हैं जो कि जाहिर सी बात है। और देखिए ये जो है काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए पीछे से हमको ढकेल रहे हैं। और सामने हमारा वैग 7 लोकोमोटिव, ये भी यार कुछ कम नहीं है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा पावर है, आप सभी को तो पता ही होगा। और राइट साइड में देखिए मुझे एक और दो बैंकर्स नज़र आ रहे हैं, ये कौन सा स्टेशन है वैसे मैं एक बार देख लेता हूँ F6 को प्रेस करके। ये पलासधारी स्टेशन है और यहाँ पे दोनों बैंकर्स को यहाँ पे स्टैटिक रखा गया है। और गाइस हम लोग सामने के साइड में चलते हैं अभी। और गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सामने से कोई क्रॉसिंग होने वाला है, और आप लोग ज़रा यहाँ से देख लो नज़ारा नीचे में कैसा लग रहा है। और ट्रैक साउंड थोड़े बहुत अजीब आ रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये देखो गाइस ये कौन सा ट्रेन है वो भी मैं आपका चेकआउट कर लेता हूँ। 17221 काकीनाडा पोर्ट लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस है ये, जो कि पूरा ICF के फॉर्म में है। और चलिए गाइस अभी हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ का स्पीड लिमिट तो वही 65 का ही है, लेकिन अभी तक 20 का दिखा रहा है, लगता है इसमें कोई दिक्कत होगा, लेकिन जो भी हम लोग 65 पे पहुँचने की कोशिश करते हैं गाइस। और ये देखिए गार्ड जिनको यहाँ पे ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और गाइस सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि घाट्स वाला जो सेक्शन है ना उसका बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है, आपको जो है ना सामने दिखाई दे रहा होगा वो देखिए। और यहाँ पे मुझे सामने एक और फ्रेट ट्रेन भी नज़र आ रही है, आपको दिख रहा है क्या फ्रेट ट्रेन? मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, चलो सामने में लेके जाके मैं आपको दिखा दूँगा। और यहाँ इस साइड में भी बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सामने में भी ढेर सारे माउंटेन्स हैं। और माउंटेन्स वाला जो सेक्शन है ना उसमें हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, अभी कुछ देर में हमारा स्पीड भी और इंक्रीज़ हो जाएगा।
और अब काफ़ी ज़्यादा स्लोप है आगे, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई भी होगा, जिसके चलते हमको बैंकर्स का जो लोकोमोटिव है ना इसको प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ से आप लोगों को ट्रैक साउंड सुनाई दे ही रहा होगा अच्छे से गाइस। तो गाइस सामने से मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा फ्रेट ट्रेन है, और लगता है ये फ्रेट ट्रेन को हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। ये फ्रेट ट्रेन भी हमारे डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन इसको यहाँ पे रोक दिया गया है और हम लोगों को यहाँ पे सिग्नल क्लियर मिला और 65 पे पहुँच चुके गए हम लोग। और इससे ज़्यादा तो हम लोग और एक्सेलरेशन कर नहीं सकते और स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते। अच्छा ये टैंकर वाली गुड्स ट्रेन है, वही मैं सोचूँ ये कौन सा ट्रेन है यार। ये जो है टैंकर वाली गुड्स ट्रेन है। और यार सामने जो है ना ग्रेडियंट शुरू हो चुके हैं, वो देखिए सामने आपको लोकोमोटिव नज़र आ रहा होगा। और अभी हम लोग एक अंडर पास में एंटर करने वाले, ये देखिए एक टनल आ चुका है। टनल का जो नज़ारा है आप लोग यहाँ से देख लीजिए, वाह यार बहुत ही मस्त वाला नज़ारा आपके सामने है। और सामने से देखिए एक और ट्रेन भी आ रही है। चलो जल्दी से टनल से निकलते हैं, नहीं तो यार वो ट्रेन कौन सा है वो मुझे दिखेगा नहीं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए 12126 प्रगति एक्सप्रेस, और इसका शायद WCM लोकोमोटिव लगा हुआ है। वाह यार WCM लोकोमोटिव के साथ में ICF के अवतार में प्रगति एक्सप्रेस का क्रॉसिंग चल रहा है यहाँ पे, देख लीजिए आप सभी को कैसा लग रहा है। और ये पीछे में कुछ एड्स भी लगा हुआ है यार इस ट्रेन का। अच्छा और मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ नज़ारा, ये देखिए ये जो टनल है ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है यहाँ से, और हम लोग टनल से निकलते हुए ऐसा लग रहा है नज़ारा। तो ये नज़ारा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाइस फिर से एक और टनल है गाइस, वाह यार आज तो टनल ही टनल देखने को मिल रहा है। आप लोग ज़रा यहाँ से देखिए नज़ारा कैसा लग रहा है। मैं तो यार हॉर्न मारते हुए टनल को पास कर रहा हूँ, क्योंकि टनल से होकर जब गुजरते हैं तब तो हॉर्न मारना ही चाहिए। और गाइस इस साइड में मैं रियल वर्ल्ड में तो कभी आया नहीं हूँ, अगर आप में से कोई इस साइड में रियल वर्ल्ड में कभी इसको विजिट किए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना गाइस, ठीक है। और राइट साइड के ट्रैक्स पे सिग्नल तो अभी रेड है, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ट्रेन निकली है यहाँ से। और यार हम लोग स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्पीड है ना वो काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज़ हो जा रहा है। ये देखो ये टनल से होते हुए हमारी जो ट्रेन है ये गुजर रही है, और काफ़ी बेहतरीन जो नज़ारा है वो लग रहा है। हम लोग अभी वापस से सामने के साइड में आ चुके हैं। और तो चलो गाइस मैं आपको विस्टाडोम कोचेस का भी इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं विस्टाडोम कोचेस के इंटीरियर में। तो विस्टाडोम कोचेस का जो इंटीरियर है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। देखो यार यहाँ से नज़ारा कैसा लग रहा है ना, आप लोग ज़रा ये भी देख लो यार, मुझे तो काफ़ी रियलिस्टिक नज़ारा लग रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, एक मिनट रुक जाइए। ये एक और टनल से हम लोग होकर गुजर रहे हैं, इसके चलते राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में जो है अंधेरा छा गया है। और यहाँ से भी हॉन्क मारते हुए हम लोग निकल रहे हैं, और ये अभी कुछ देर में हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और ये देखिए गाइस यहाँ पे ना सिकंदराबाद दुरंतो का क्रॉसिंग चल रहा है, मैं आपको यहाँ से क्रॉसिंग दिखा देता हूँ। ये 12220 सिकंदराबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस दुरंतो एक्सप्रेस है, जिसका कि EMD लोकोमोटिव लगा हुआ है, आप लोग सामने देख लीजिए। ये देखो यार ये क्रॉसिंग आप सभी को कैसा लग रहा है। दुरंतो एक्सप्रेस काफ़ी स्लोली स्लोली क्रॉस कर रही है, क्योंकि घाट सेक्शन है, यहाँ का स्पीड लिमिट तो आपको पता है। और वहाँ दूर में देखिए हम लोग एक और टनल पे एंटर कर रहे हैं। तो यार सामने मंकी हिल्स भी आएगा, मंकी हिल्स का भी नज़ारा अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ज़रा इस वीडियो के साथ में पूरा ज़रूर से बने रहिएगा, तभी आपको मंकी हिल्स वाला जो खूबसूरत जो व्यू है ना वो आपको देखने को मिलेगा। और ये शायद से गाइस थोड़ा सा लंबा टनल है, एक बार मैं बाहर में चलने की कोशिश करता हूँ। ये बाहर में हम लोग आ चुके हैं, और ये पीछे के साइड वाला नज़ारा है, पीछे का जो पोर्शन है वो अभी हमारा एंटर हुआ नहीं है। और ये बैंकर्स जो है ये काफ़ी अच्छे से हमको ढकेल रहे हैं, जिसके चलते हमको जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रहा है ट्रेन को आगे ले जाने में। और गाइस हॉर्न साउंड कौन सा वाला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। अरे यार ये टनल कितना लंबा यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये देखो ये अभी ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म होते ही एक और टनल शुरू हो रहा है। वाह यार देखो यार मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, ये देखो यहाँ से आप लोग नज़ारा देखिए, नज़ारा कैसा लग रहा है देखिए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। लेकिन गाइस सामने में लगता है मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल तो हमको देख के लग रहा है हमको नहीं मिलने वाला है, तो शायद से गाइस सामने जाकर हमको हमारे ट्रेन को रोकना पड़ेगा। तो पहले यार इस टनल से हम लोग निकलते हैं जल्दी से, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है सामने जाकर। चलो गाइस ये एक टनल से हम लोग निकल रहे हैं, और दोबारा से एक और टनल पर हम लोग एंटर करने वाले हैं। गाइस देखा यार तीन तीन टनल्स हमने एक साथ में पार किया, और यहाँ का नज़ारा देखो यार कितना ज़्यादा मस्त वाला नज़ारा है। ये देखो ये दोनों माउंटेन्स हैं जिसके बीच से होकर अब हम लोग जो है अभी गुजर रहे हैं, और यहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। और चलो हम लोग ऊपर की साइड में चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो गाइस कैसा लग रहा है नज़ारा। और सामने से एक और ट्रेन आ रही है, आपको भी सामने दिखाई दे रहा होगा, ये कोई फ्रेट ट्रेन है, ये भी टैंकर वाली फ्रेट ट्रेन है क्या?
पता नहीं क्यों मुझे तो वैसा ही लग रहा है कि टैंकर वाली फ्रेट ट्रेन है। हाँ हाँ ये भी BTPN है, मैंने तो यार पहले ही कहा था। और यार हमारा ट्रेन कहाँ गया, अभी तक आई नहीं यहाँ से। वो आ रही है हमारी ट्रेन, आपको दिख रहा होगा सामने में। हमारी ट्रेन का जो हॉर्न है वो तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। देखिए कितना मस्त वाला नज़ारा लग रहा है। और ये देखिए ये शक्ति का दोनों लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें, डीजल वाला WDM-3 वाला। और ये हमारा ट्रेन जो है केव से बस बाहर निकलने ही वाला है, आपको भी सामने दिख रहा होगा। ये देखिए फाइनली हमारी जो ट्रेन है इतने देर बाद ये टनल से निकलते हुए आगे आ रही है। आपको देखो यार नज़ारा कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट्स में। लेकिन यार यहाँ पे हमको दोबारा से रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का जो सिग्नल है ना वो रेड होके रखा है। तो चलो फिर देर किस बात की, अब यहाँ पे रोक देते हमारे ट्रेन को। वैसे ना हमको यहाँ पे रोकने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, और रीज़न वो तो आपको पता ही है क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा ऑपोजिट साइड का फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। ऊपर से ब्रेक्स लग जाएगा तो यार क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा जल्दी ये जो है ट्रेन रुक जाएगी। तो वैसे देखते हैं यहाँ पे कब तक हमको सिग्नल मिलता है। और सामने कोई केबिन नज़र आ रहा है, कौन सा केबिन है, क्या लिखा हुआ है, जमड़ुंग या फिर जमड़ंग केबिन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चलो गाइस फाइनली हमको सिग्नल मिल चुका है, और अभी हम लोग फिर हॉर्न, अरे पीछे जा रही है हमारी ट्रेन, यार ब्रेक्स लगाना पड़ेगा, मैंने गलती से ब्रेक्स को रिलीज़ कर दिया, जल्दी से ब्रेक्स लगाते हैं। तो चलो फिर अभी हॉर्न बजाते हैं, फिर ब्रेक्स रिलीज करेंगे और फिर एक्सेलरेशन करेंगे। चलो गाइस अभी हम इसको पीछे के साइड में नहीं जाने देंगे क्योंकि अभी हमने एक्सेलरेशन पावर जो है वो पूरा हमने ऑन कर दिया है। और विस्टाडोम जो कोच है ना उसको आप लोग जरा अच्छे से देख लो, वैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको इसको दिखाया है अच्छे से, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक और टनल पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, और सामने जो है जमड़ंग केबिन भी आ रहा है, और बाकी क्या क्या क्रॉसिंग्स होता है आज देखते हैं अभी तक तो। और अगला जो हमारा हॉल्ट है वो है खंडाला। खंडाला यहाँ से 15.3 किलोमीटर्स बाकी है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा जाना पड़ेगा हमको। तो चलो गाइस अभी फ़िलहाल तो हम लोग एक और टनल से होकर निकल रहे हैं, और यहाँ का जो एक्सेलरेशन है ना गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बेहतरीन एक्सेलरेशन ये वापस से कर रही है। VAG-7 है और पीछे में दोनों VAG-7 है, तो तीनों का पावर मिला के ना बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और लगता है गाइस सामने से कोई ट्रेन आ रहा है, आ रहा है क्या, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं 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 गाइस सामने से अभी तो कोई फिलहाल ट्रेन आ नहीं रही है। और ये देखो जो टनल पे अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं वो उसका ऊपर का नज़ारा देख लो यार, कितना खतरनाक वाला जो माउंटेन पीक है वो नज़र आ रहा है। वो देखो यार सामने से एक और ट्रेन आ रही है, वाह यार ट्रेन का नाम नहीं और ट्रेन हाजिर हो गया सामने से। चलो यार यहाँ पे ये जो केबिन है जमड़ंग केबिन, यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 11024 सह्याद्री एक्सप्रेस, सह्याद्री एक्सप्रेस का WCM-2P है शायद, ये है ना WCM-2P है क्या, मुझे वैसे ही लग रहा है। उसके साथ में इसका क्रॉसिंग हो रहा है आप लोग देख लो, और बीच में एक उत्कृष्ट डिलीवरी इसका लगा हुआ है, एक पार्सल भी रेक लगा हुआ है। ये देखो हमारा ट्रेन विस्टाडोम कोचेस के साथ में यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, नज़ारा तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला नज़ारा है। और इसके बीच में कुछ कुछ जगह पे उत्कृष्ट कोचेस लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ही जो है ब्लू वाले ICF कोचेस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो चलिए अभी हम लोग अपने ट्रेन को पकड़ लेते हैं और वापस एक्सेलरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बार बार हमारा जो ट्रेन का स्पीड है ना वो कम हो जा रहा है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा ग्रेडियंट है सामने आपको दिखाई दे ही रहा होगा, काफ़ी खतरनाक वाली चढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से जो नज़ारा है कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार, आप देख सकते हो वहाँ दूर में डिस्टेंट माउंटेन्स जो है वो भी नज़र आ रहे हैं। और VAG-7 जी थोड़ा और पावर लगाइए क्योंकि सामने और ज़्यादा खतरनाक वाला चढ़ाई आपको भी देख के लग रहा होगा गाइस, और ज़्यादा पावर हमको लगाना पड़ेगा यार VAG-7 के साथ में। यहाँ से आप लोग देख लो नज़ारा VAG-7 के साथ में गाइस, हम लोग और थोड़ा सा पावर लगा रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 65 km/h तक हम लोग पहुँच जाएँ। और गाइस ये जो हमारे ट्रेन के कोचेस हैं ना ये शायद किसी जन शताब्दी में भी इस्तेमाल होते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, शायद होते होंगे मुझे तो पता नहीं है। और फिर से देखो यार एक और टनल आ गया यार, हम लोग लाइट्स को ऑन कर देते हैं, ये लाइट्स को मैंने ऑन कर लिया, और एक माउंटेन से हम लोग निकले हैं और दूसरा माउंटेन पर भी हम लोग एंटर कर भी चुके हैं। और यहाँ का जो नज़ारा ये देखो यार, एक और माउंटेन से होकर हम लोग गुजर रहे हैं और निकल भी रहे हैं एक और माउंटेन से, और गाइस दोबारा से और ज़्यादा खतरनाक वाला चढ़ाई आ चुका है हमारे सामने में। तो जल्दी से और एक्सेलरेशन करते हैं, पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं अभी गाइस। और गाइस यहाँ पे अभी कोई क्रॉसिंग होगा ना तो मुझे शायद नहीं दिखेगा क्योंकि वो जो ट्रैक्स है ना वो उस साइड में चला गया है, इसके चलते हमको शायद अभी कोई क्रॉसिंग दिखेगा नहीं। बाकी हमको सिग्नल तो पूरा ग्रीन मिला है, और यहाँ लेफ्ट साइड वाला नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइड से, देखो यार कितना अच्छा वाला नज़ारा है।
तो गाइस लग रहा है फाइनली जो ग्रेडियंट है ना वो कम हुआ है, जिसके चलते हमारा जो स्पीड है ना वो धीरे धीरे अब इंक्रीज हो रहा है। और बाकी यहाँ का वेदर भी काफ़ी आज अच्छा है, आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सुहाना मौसम है यहाँ। और गाइस यहाँ से खंडाला आने में और 12.2 किलोमीटर बाकी है। गाइस इतने देर से हमने बस 3 किलोमीटर कवर किया यार, तो काफ़ी स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी दिख रहा होगा कि हमारा जो जर्नी है आज काफ़ी ज़्यादा स्लोली वाला होने वाला है, जो कि जाहिर सी बात है भाई घाट सेक्शन से होकर गुजर रहे हैं यार हम लोग, तो यार जर्नी तो थोड़ा स्लो तो हो गई है ना। तो सामने एक और केबिन आ रहा है, ठकरवाड़ी केबिन, तो ठकरवाड़ी केबिन का भी क्रॉसिंग आप लोग देख लो। और गाइस लगता है हम लोग एक और टनल पे एंटर करने वाले हैं, सामने मुझे एक और माउंटेन नज़र आ रहा है, तो यार पहले देखते हैं कि क्या होता है। और गाइस आप सबने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा क्या? वो वीडियो कैसा था यार? मैंने प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन के ऊपर बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको देख लेना, क्योंकि उसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, उसको ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाली फीलिंग आई थी यार, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और हाँ गाइज, आप लोग ड्राइविंग गेम्स स्टार देख रहे हो क्या? अगर नहीं देख रहे हो तो आप लोग ज़रा एक बार चेकआउट कर सकते हो, आप लोग ज़रा यूट्यूब में सर्च करना ड्राइविंग गेम्स स्टार, और आपको जो पहला वाला चैनल मिलेगा वही वाला मेरा होगा, तो वहीं पे आप लोग एंटर करके जस्ट वीडियो को एक बार चेकआउट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। तो वहाँ पे गाइस हम लोग यूरो ट्रक सिमुलेटर, रैंक सिमुलेटर, इस टाइप की गेम्स हम लोग खेलते हैं, तो अगर आपको वो पसंद आता है वीडियो तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे सामने में एक और कर्व आ रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, हम लोग हॉर्न मार देते हैं एक बार। और गाइस ये हम लोग क्रूज करते करते काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं खंडाला के, करजत से हम लोग निकले थे, ऑलमोस्ट 8:43 या फिर 42 ऐसे टाइम था उस वक्त, मैं देखना भूल गया था, अगर आपने देखा होगा तो कमेंट से बता दीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखे होगे तो गाइस आप लोग ज़रा कमेंट में लिखना 2041 की, अगर आप लोग ये लिखोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप लोगों में से कौन कौन वीडियो को इतना तक देख रहे हो। और आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ में इतना देर तक बने हैं मंकी हिल्स को देखने के लिए। तो यार मंकी हिल्स बहुत जल्द आने वाला है, आपको सामने दिखेगा। वैसे कि इस मंकी हिल्स क्या वो स्टेशन का नेम है या फिर जो पहाड़ से हम लोग होकर गुजरेंगे उस पहाड़ का नेम है? और गाइस यहाँ पे लगता है सामने से एक और ट्रेन आने वाली है, क्योंकि मुझे हॉन्ग सुनाई दे रहा है किसी ट्रेन का, पता नहीं यार कोई ट्रेन आ रही है क्या, टनल में कोई ट्रेन दिखाई दे रही है? नहीं यार मुझे तो कोई ट्रेन दिख नहीं रही है। अरे यार वो देखो वहाँ पे, मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखा के आता हूँ, रुकिए एक मिनट रुकिए। ये देखो ये जो है यहाँ से होकर आ रही है, मैं आपको एक बार इसका भी क्रॉसिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए टनल से आ रही है, देखिए कौन सा ट्रेन है, 14805 यशवंतपुर बारमर एसी एक्सप्रेस। अरे भाई जल्दी जल्दी निकलो ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्लोली स्लोली निकल रही है, यहाँ से लगता है इसको येलो सिग्नल मिला है। हाँ येलो सिग्नल मिला था, इसके चलते काफ़ी स्लोली स्लोली ये जो है यहाँ से जा रही है। और ये देखिए एसी एक्सप्रेस है इसका, तो आप लोग नज़ारा देख ही लीजिए। और वापस से हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और ट्रेन है यार, ये पता नहीं है कौन सा ट्रेन है, और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए हमारा ट्रेन यहाँ से होकर गुजर रहा है, ये पीछे वाले हमारे एसी कोचेस हैं, जो कि दो एसी कोचेस लगे हुए हैं, और यहाँ भी इस ट्रेन को यहाँ पे रुकवा के रखा गया, पता नहीं यार कौन सा ट्रेन होगा, इसको सामने में सिग्नल नहीं मिला, इसका वैप फोर लोकोमोटिव लगा हुआ है शायद, हाँ वैप फोर लगा हुआ है, इसको सिग्नल नहीं मिला है, और इसको जो है बीच में रोक के रखा गया, पता नहीं इसको कब तक सिग्नल मिलेगा, ये टनल के अंदर में इसको रोक दिया यार, देखो यार। और गाइस शायद मंकी हिल्स के बहुत पास में गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं आपको यहाँ से गाइस नज़ारा दिखा देता हूँ, ये देखो वाह यार वाह, इतना खूबसूरत नज़ारा है यार, इसके लिए एक लाइक ठोकना तो बनता ही यार, और नज़ारा तो यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप लोग सामने देख ही सकते हो। और ये नज़ारा देखकर लग रहा है कि मंकी हिल्स के बहुत पास में हम लोग आ चुके हैं, ये देखो यार कितना ज़्यादा ऊंचा वाला पोर्शन से होकर अभी हम लोग गुजर रहे हैं, समझ सकते हो यार आप, वाह यार ये नज़ारा देख के ना सच में यार मज़ा ही आ गया, मैं आपको बाहर से भी दिखाया था, ये देखिए कितना ज़्यादा ग्रेडियंट और ऊंचा वाला पोर्शन पे अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ नज़ारा, ये वाला कैसा लग रहा है गाइस बताइए कमेंट्स में। और यार फिर से चढ़ाई करना है हमको, तो वापस से पावर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखो यार कितना मस्त वाला जो है नज़ारा यहाँ पे बना के रखा गया है, देखो यार। तो गाइस ये नज़ारा कैसा लग रहा है आप सभी को, व्यूज़ तो यार मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है ये सब व्यूज़ देखने में। और गाइस सामने से दोबारा से हम लोग एक और टनल पे एंटर करने ही वाले हैं, बहुत ही जल्द करने वाले हैं,
शायद उस टनल पे एंटर करने के बाद में जब हम लोग निकलेंगे उस टनल से, शायद हमको रेड सिग्नल दिया जाएगा और हमको वहाँ पे जाकर रुकना पड़ेगा ट्रेन को। ओके, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग विस्टर्डन कोचेस के पास में चलते हैं और यहाँ से जर्नी करते हैं। ये देखिए ऊपर से देखिए कैसे दिख रहा है अंदर में। सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से बना के रखा गया है और काफ़ी जो है प्रीमियम वाला लुक बना के रखा गया है विस्टर्डन कोचेस का। और गाइस इससे ज़्यादा हम लोग और एक्सेलरेशन करेंगे नहीं। चलो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुँचने वाले रेड सिग्नल के बिल्कुल पास में, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है तो हमको थोड़ा सा ब्रेकिंग करने से ही ना हमारा काम बन जाएगा, हमको ज़्यादा ब्रेकिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो सामने रेड सिग्नल, अब यहाँ से दिखाई दे रहा है गाइस, आपको भी दिखाई दे रहा होगा रेड सिग्नल। तो चलो यार अब थोड़ा थोड़ा ब्रेकिंग कर देते हैं और जल्दी से हमारे ट्रेन को जो है यहाँ पे रुकवा देते हैं। बस और थोड़ा सा सामने जाकर रोक देंगे हम लोग, तो यहीं पे रोक देते हैं। चलो यार यहाँ पे रोक देते हैं ट्रेन को। चलो फाइनली हमने ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया है और फिर से पता नहीं कब हमको जाकर सिग्नल मिलेगा। और मुझे अभी भी लग रहा है यार मंकीज काफ़ी ज़्यादा पास में है, देखते कब तक सिग्नल मिलता है। तो वैसे यहाँ पे हमको सिग्नल फाइनली मिल चुका था और हम लोग डिपार्ट भी कर चुके थे और यहाँ पे सामने में एक और टनल पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये पीछे के साइड में हमारा वैक 7 का जो है ये भी नज़ारा आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग सामने के साइड में चलते हैं। अरे यार ये टनल तो ख़त्म हो गई, मुझे लगा था यार ये वाला जो टनल है ना ये सबसे ज़्यादा बड़ा वाला टनल होने वाला है। और गाइस फाइनली हम लोग मंकी हिल कैबिन पे पहुंच चुके हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मंकी हिल कैबिन आपको सामने दिख रहा होगा और ये नीचे देखिए कितना ज़्यादा ऊंचा है यार, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ का ग्राउंड का जो टेक्सचर है ना ये भी काफ़ी अच्छा वाला बना के रखा गया। और सामने से लगता है एक और ट्रेन आ रही है, आपको दिख रहा होगा BCNA फ्रेट ट्रेन है। और नज़ारा यार कितना खतरनाक और काफ़ी अच्छा है, देखो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये वैग 9 के साथ में, वैसे वैग 9 इस साइड में आते हैं क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस साइड में वैग 9 आते हैं कि नहीं, लेकिन अब ये वैग 9 के साथ में ये जो फ्रेट ट्रेन है ना ये भी चढ़ाई करने वाली है ऊपर में, आपको दिखाई दे रहा होगा इसका जो ट्रैक से ऊपर के साइड में जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको विस्टर्डम कोचेस से नज़ारा दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ का नज़ारा, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक वाला नज़ारा यार, देखो यार छोटे टाइप के जंगल वगैरह यहाँ पे है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मंकी हिल्स कैबिन इसमें लिखा हुआ है, मंकी हिल कैबिन को हमने फाइनली क्रॉस कर लिया है गाइस और हमारा स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और वो देखिए दूर में एक और ट्रेन भी आ रही है, मुझे ऐसा स्मोक नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है क्या, मुझे ऐसा स्मोक नज़र आ रहा है, पता नहीं कौन सा ट्रेन होगा। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में एक और टैंकर ट्रेन थी जिसको कि यहाँ पे रोक के रखा गया, इसको भी सिग्नल नहीं मिला आगे जाने का। और वापस से क्या हमको रोकना पड़ेगा इस ट्रेन को, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि सामने ट्रैक मॉनिटर पे मुझे देख के लग रहा है हमारा सिग्नल रेड होने वाला है। वो तो यार आगे जाके पता चलेगा कि आखिर होने क्या वाला है सामने हमारे साथ में। बाकी आप लोग पीछे के साइड का नज़ारा एक बार देख लो, पीछे के साइड का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ यार, देखो यार कितना खतरनाक है यार, देखा गाइस आपने कि ये जो नज़ारा कितना ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पे देखिए दोनों माउंटेन्स एक साथ में होकर गुजर रहे हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा हो। चलो हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं और गाइस वापस से हम लोग एक और टनल से होकर गुजर रहे हैं और सामने में एक ट्रेन आ रही है गाइस, 19668 पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस। तो इसका भी क्रॉसिंग यार आप लोग देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाए। ये देखिए यार ये EMD लोकोमोटिव के साथ में आ रही है, आप लोग देख सकते हैं पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस। और गाइस इस हमसफर में देखिए एक स्लीपर कोच भी लगा हुआ है, ये देखिए एक ही स्लीपर कोच है लेकिन इसका जो लीवर ही है ना स्लीपर कोच का वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये तो यार बीच में पैंट्री कार जैसे लगा रहता है, वो पैंट्री कार लगा हुआ है। और गाइस हम लोग एक टनल से निकल कर वापस ये दूसरे टनल पर एंटर हो रहे हैं। ये देखो यार यहाँ का नज़ारा भी देख लो आप कैसा लग रहा है। चलो यार इसका तो काम हो चुका है तमाम और अभी हम लोग वापस से हमारे ट्रेन को पकड़ लेते हैं यहाँ से। और यार ये वाला टनल शायद लंबा था, मैं कह रहा था ना यार एक टनल ऐसा ज़रूर से आएगा जो कि सबसे लंबा हुआ है यहाँ से, और मुझे जहाँ तक लगता है वो यही वाला टनल है। जैसे हम लोग इस टनल से निकलेंगे ना हम लोग सीधा खंडाला के आउटर पर पहुँच जाएंगे। तो चलो यार देखते हैं कब तक हमको निकलने का मौका मिलता है इस टनल से। तो गाइस फाइनली यार हमने ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है इस टनल में कवर अप किया है। तो यार आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये लंबा टनल है, देखो यार इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। और बस गाइस हम लोग बस एंटर करने ही वाले हैं खंडाला पे, तो चलिए फिर जल्दी से ब्रेकिंग कर देते हैं, ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं क्योंकि खंडाला के शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। एक बार हॉर्न मार देते हैं यहाँ पे
और शायद से खंडाला पे यहाँ पे कोई ट्रेन मुझे नजर आ रहा है। राइट साइड में तो यार एक फ्रेट ट्रेन है, वैम 4 के साथ में एक फ्रेट ट्रेन, कंटेनर वाली फ्रेट ट्रेन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और लेफ्ट साइड में कोई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। और यार खंडाला का नजारा कैसा है जरा मुझे बताना गाइस कमेंट्स में एक बार आप सब लोग। अब गाइस इसके बाद में लोनावला भी आएगा और वहां पे जाकर जो है ना इसका बैंकर्स जो है ना इसको डिटैच कर दिया जाएगा। चलो गाइस हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं ट्रेन, क्योंकि पूरा हमारा ट्रेन जो है वो फाइनली एंटर हो चुकी है। और यहाँ पे ये क्या देख रहा हूँ यार मैं, पता नहीं सामने में क्या सीन होके रखा है। पहले हम लोग रोकते हैं ट्रेन को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो गाइस WCM के साथ में, WCM लोकोमोटिव के साथ में ये कोई एक ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, पता नहीं कौन सा ट्रेन है। लेकिन सामने में जो नज़ारा है ना ये देख के आप लोग चौंक मत जाना, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ यार। ये फ्रेट ट्रेन जिस ट्रैक्स पे जा रही है उसी ट्रैक्स पे एक और ट्रेन भी आ चुका है, क्या ये सिग्नल तोड़ के यहाँ पे आ चुकी है? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ट्रेन है इस ट्रैक पे, तो सामने वाला जो फ्रेट ट्रेन है ना इसको तो यार पिछले वाले सिग्नल पे रोक लेना चाहिए था, लेकिन यार ये रुकी नहीं है। ये तो लगता है सिग्नल ब्रेक करके आ चुकी है, जिसके चलते यहाँ पे एक सीन हो चुका है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कैसा अजीब सा सीन होके रखा है। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये फ्रेट ट्रेन जो है डिपार्ट कर चुकी है, जो कि खंडाला पे अभी रुकी थी बस कुछ देर पहले। और गाइस बाकी आप लोग बताओ यार आप सबको आज का ये वाला घाट सेक्शन का नज़ारा और ये विस्टाडम कोचेस ये सब कुछ कैसा लगा आप सभी को? और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाना, और अगर आप यहाँ पे पहली बार एंट्री मारे हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह का वीडियोस मिलता रहेगा। ओके गाइस तो अभी मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।